हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने वाला हूँ बिल्कुल मार्केट जैसा वेज मोमो, एकदम आसान तरीका से, वो भी अपना घर में। ये मोमोज एकदम जूसी, मुलायम और सुपर टेस्टी भी है। आपको मोमोज पसंद है, आपको मोमोज लाइक करता है, तो ये मेरा रेसिपी भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का भी उम्मीद रखता हूँ। आ हा हा, क्या खुशबू है माशाल्लाह। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खुशबू के साथ मैं ये रेडी हुआ। देखिए कितना अच्छा फूक गए मोमोज। देखिए इधर नीचे चिपका भी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। सबसे पहला मैं आलू बॉईल कर रहा हूँ वेज मोमोज के लिए। उसके बाद जो ये कैरेट है उसको छोटा छोटा काटने जा रहा हूँ, जूनियल कट। आपको कैसा पसंद है वैसे काट सकता है। और इसके बाद ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्ची हरा वाला, ये भी छोटा छोटा काट के मिक्स किया। उसके बाद ये काउलीफ्लावर, फूल गोभी है, ये फूल गोभी आपके पास है तो डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये कैबेज, पत्ता गोभी, और ये पत्ता गोभी जो पूरा काटने जा रहा हूँ। उसके बाद ये ग्रीन बीन्स, और इसको हम लोग सीमी बोलता है, ग्रीन बीन्स। उसके बाद ये रेड कैप्सिकम है, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये टोटल करके 1 केजी हो गया, 1 केजी का मोमोज बनाने जा रहा है। अब ये सब काटा हुआ सब्जी को मिक्स करेंगे और कम से कम 50% इसको स्टीम करेंगे, हाफ बॉयल होने तक स्टीम करेंगे। और जब तक ये पोटैटो भी रेडी हो गया, आलू ये फुल बॉयल हो गया, ये फुल बॉयल होना चाहिए इसको। और ये थोड़ा स्टीम करके इसको बाहर निकालेंगे। ये 50% बॉयल हो गया, हाफ बॉयल। इसके बाद इसको चॉप करेंगे छोटा छोटा। ये स्टीम करने का एक ही फायदा है, ये इसका जो टेस्ट इसी में रहेगा और इसमें से पानी भी नहीं आएगा और अच्छा भी लगेगा, कलर भी चेंज नहीं होगा, फ्रेश एंड हेल्दी रहेगा। ये चॉप होने के बाद इसको एक छोटा सा बर्तन में डाल के, जो बॉयल करके रखा था वो आलू भी इसको इसमें छील के डालने जा रहा है। और ये जो नमक स्वाद अनुसार, ये धनिया का पाउडर, ये करी पाउडर है, ये धनिया पाउडर, ये मरीच का पाउडर, ब्लैक पेपर, और ये जीरा का पाउडर डाल दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोमो मसाला ही आपको चाहिए, ये अपना घर में जो भी मसाला है वही डाल के बना सकता है। इसमें चिल्ली पाउडर भी डाल दिया। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सोयाबीन सॉस 1 चम्मच डाल दिया। उसके बाद ये चॉप बारीक से काटा हुआ गार्लिक, ओनियन, धनिया। उसके बाद ये कुकिंग ऑयल कम से कम 3 स्पून डाल दिया और इसको अच्छा से मोलने जा रहा है। इसके लिए संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखा है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकता है। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताने कोशिश करूँगा। इसको ऐसा पैक करके कम से कम 1-2 घंटा रखेंगे। और ये जो मोमोज बेलने का टेक्निक है, ये अच्छा से मोमोज बनाने के लिए ऐसा बेलना ज़रूरी है जैसा मैं बेल रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बेलने के लिए, ये मोमोज का परफेक्ट है। इसमें से एक ही फायदा रहता है, इसका जो साइड पतला और सेंटर में थोड़ा मोटा रहेगा, और मोमोज होने ही ऐसा है। ऐसा करके मैं पूरा बेल दिया मोमोज को, देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम राउंड शेप में, और सेंटर मोटा है, साइड पतला है। अब ये मोमोज बनाने का टेक्निक अच्छा से देखिएगा आप। इसको साइड से बंद करके ऐसा बनाया और ये अंगुली से उसको दबा दिया अंदर कीमा को, तो अंदर चले जाने के बाद आप फिर स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसा डेकोरेशन निकाल सकता है। देखिए साइड में बंद करके फिर थोड़ा उठा के फिर 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 करके इसको लेना है आगे से, और ये अंगुली का साइड से अंदर दबा के सब बनाना है। ये गोला वाला मोमोज हो गया।
अब ऐसा करके पूरा मोमो बना दिया। आपका ज़रूरी नहीं है कि ऐसा डिज़ाइन में बनाए, बस क्वालिटी और क्वांटिटी रहना चाहिए। डिज़ाइन आप में डिफरेंट है, कैसा बनाना है वैसा बना सकता है। और आपको नहीं आता है तो कुछ मकीना का मदद से भी आप बना सकता है, कैसा आएगा वैसे बना के खा सकता है। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बेल के सेंटर में ऐसा रख के अब ये कीमा डालने जा रहा हूँ। इसके लिए लंबा वाला मोमो, सी मोमो, इसको साइड में लॉक कर दिया, इसको साइड में बंद कर दिया। उसके बाद फिर इसको भी वन बाय वन करके छोड़ना पड़ेगा। गोला मोमो को एकदम से लेके आया तो ये लंबा मोमो के लिए छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। आप एक दो पीस ट्राई कीजिएगा, बाद में ये एकदम सिंपल है, ईजी है आएगा। ये जो गोला, ये लंबा मोमो रेडी हो गया, देखिए कितना अच्छा डेकोर हो गया इसका। ये ऐसा लक करने का, ऐसा दबाने का मतलब है स्टीम करने टाइम में ये नहीं फूकेगा। अब दूसरा डिज़ाइन का मोमो भी बना के दिखाता हूँ। ये वेज मोमो में ज़्यादातर ये डिज़ाइन का मोमो चलता है। ये एक दोनों साइड से इसको लक कर दिया और जहाँ से बंद किया दबा दिया वहीं से एक बाय एक, वन बाय वन, दायां बायां से थोड़ा थोड़ा लेके लेके इसको दबाते दबाते आगे बढ़ना है और यहाँ पे आके इसको फाइनली क्लोज करना है। देखिए कितना अच्छा हो गया ये भी, ये डिज़ाइन भी। अब आपको दूसरा एक डिज़ाइन वाला भी दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए ऐसा पूरा लॉक पहले करके साइड से थोड़ा थोड़ा करके उठा के दबाना है, फिर उठा के दबाना है, ऐसा करके आराम से बनाना है इसको। ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ये एकदम सिंपल डिज़ाइन है। आप ये मोमो को अच्छा तरीक़ा से बनाना बना सकता है, इतना बनाना नहीं आता है तो एकदम सिंपल डिज़ाइन है ये। अब रेडी करके इसको स्टीम करने जा रहा है। ये दो डिज़ाइन का एक स्टीमर में डाल दिया और दूसरा डिज़ाइन का दूसरा स्टीमर में डाल दिया। मेरे पास छोटा छोटा स्टीमर है क्योंकि मैं घर के लिए रेडी कर रहा हूँ। इसके बाद अभी इसको स्टीम करने जा रहा है। इसका स्टीमिंग टाइम कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करना चाहिए। 10 और 15 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। अब ये मोमोज करीब करीब हो गया। ये ऊपर का है, थोड़ा इसको नीचे रखेंगे। आहा, क्या खुशबू है माशाल्लाह। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खुशबू के साथ में ये रेडी हुआ। अब इसको थोड़ा ऊपर और जो पहले ऊपर था उसको नीचे करके फिर 5 मिनट तक पकाएंगे इसको, तब तक ये रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा फूक गया है मोमोज। देखिए इधर नीचे चिपका भी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए है।